का श्री नंदलाल नाम है, पीडब्ल्यूडी के जेई हैं, पद पर रहते हैं। अच्छा, उनका ऑफिस है रेलवे स्टेशन के पास। क्या मामला? मैं यहाँ पर आई हूँ, हमको थोड़ी थोड़ी बातों में मार बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत शासन देते हैं, मारते हैं। अच्छा। और मेरे 3 बच्चे हैं, किसी तरह से मैं उनको पढ़ाई किया, बेटी का शादी की, कर्ज हो गया है 4 लाख, को भी नाम नहीं लेते हैं देने के लिए। आपके पति दूसरी औरत रखे हैं? हाँ। उसकी वजह से ज्यादा हमको मारते हैं, बहुत बहुत मारते हैं। यहाँ पर मैं आई हूँ, मैं न्याय में अपना हक लूंगी, मैं अपने बच्चों के लिए देखभाल करने के लिए लूंगी, भरण पोषण के करने के लिए लूंगी। मिली की इनको बहुत मारते हैं, पीटते हैं, उन लोगों को जाके एक बार अवॉइड किए, 2 बार अवॉइड किए, लेकिन कल फिर फोन आया कि इनको बहुत बुरी तरह से मारा गया है। तो 100 नंबर से हम लोग डायल किए, मैं डायल की खुद 100 नंबर डायल की, पुलिस गई, फिर पुलिस वहाँ बोले कि आप जाके फिर राजस्थान पे FIR लिखवाइए। हम लोग वही FIR लिखवाने यहाँ आए हैं महिला की, और इनसे काफ़ी जानकारी मिली है कि इनके पति शायद किसी दूसरी महिला के साथ उनका संबंध है, और इनके 3 बच्चे भी हैं। तो हम लोग संगठन है हम लोग का, तो हम लोग ये चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो, और अच्छी बात है कि तारा देवी ने जो ये जो इनके साथ हो रहा है उसको दबा के नहीं रखा, उस चीज़ को अगर ये कह रही हैं, बता रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब एक गुनाह सहना और बर्दाश्त करना भी सबसे बड़ा गुनाह है, समझ लीजिए। तो ये आवाज़ उठाएं, हम लोग इनके साथ हैं, पूरी नारी शक्ति इनके साथ है।